बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हनान और आप देख रहे हैं हनी स्टूडियो। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर उर्दू कैसे लिख सकते हैं। चाहे आप जो है उसे एमएस वर्ड में लिख लें, अपने एडोब फोटोशॉप में लिख लें, कोरल ड्रा में लिखें, या उसके अलावा आप कंप्यूटर में किसी भी जगह पर उर्दू जो है कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन के ऊपर क्लिक करते हुए सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से आने वाले तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ और आप हमारी वीडियोज़ को देख पाएँ सबसे पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा वीडियो के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है रिप्लाई आप लोगों को बहुत जल्द कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं भी, चाहे आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस जो है वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं या कोरल ड्रा यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग जो है उसके अलावा आप अपने ब्राउज़र के अंदर, फेसबुक के अंदर कैसे जो है उर्दू लिख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट उसी के ऊपर जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर उसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप लोग यहाँ से हमारे वेबसाइट के ऊपर www.hanistudio.com के ऊपर जाकर भी इस सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे सॉफ्टवेयर में जाने के बाद अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से जो है सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इसे आप रीड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को तमाम डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। कीबोर्ड का लेआउट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, आपको तमाम डिटेल जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने जो है इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए हम जो है इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तुम्हारा जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उसके बाद हमें जो है यहाँ पर अपने पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा या लैपटॉप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो ही ये जो है सही वर्क करेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम जो है इसे जो है इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो हम अभी नो कर देते हैं और इसे फिनिश करते हैं। तो अब हम अपने पीसी को जो है रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि हम कैसे जो है इसे यूज़ कर सकते हैं अपने जो है कंप्यूटर के अंदर। तो हमारा कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट हो चुका है और आप नीचे यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन जो है आ चुका है इंग्लिश और उर्दू का। यहां पर जैसे हम यहां पर अपने ब्राउज़र के अंदर जो है उर्दू अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे। जस्ट हमने करना क्या है, विंडो की और प्लस स्पेस को हमने प्रेस करना है तो हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और हम यहाँ पर जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आसानी से जो है उर्दू के अंदर अपने ब्राउज़र में लिख लिया है, सर्च इंजन में हमने यहाँ पर लिख लिया है। और अगर हम दोबारा जो है विंडो प्लस स्पेस की को प्रेस करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दोबारा इंग्लिश हो जाएगी और हम यहां पर जो है इंग्लिश में लिख पाएंगे। इस तरह से अगर आप कहीं भी चाहें, कहीं भी आप लोग जो है यूज़ करना चाहें, जैसे हम यूट्यूब के अंदर लिखना चाहते हैं उर्दू के अंदर, तो हम यहाँ से जो है विंडो जो है अपनी लैंग्वेज चेंज करेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और कौन से की के ऊपर कौन सी चीज़ आती है तो उसके लिए आप लोग जो है हमारी पोस्ट को यहाँ से विज़िट कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे
तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, ए के ऊपर जो है अलिफ आता है और शिफ्ट ए के ऊपर, इस तरह तमाम जो है कीबोर्ड आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा नॉर्मल कीज़ आप यहां पर देख सकते हैं शिफ्ट प्रेस करने के साथ क्या लिखा जाएगा और अल्ट प्रेस करने के साथ यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, और उसके अलावा अल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करने के साथ यहाँ पर जो है क्या लिखा जाएगा, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप जो है वर्ड के अंदर उर्दू लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को लिखकर यहाँ से दिखा देता हूँ। हम अपना वर्ड ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया हमने, यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर देखें लिख सकते हैं। तो आप इस तरह इजीली जो है उर्दू लिख सकते हैं अपने एमएस वर्ड के अंदर। तो यहाँ से फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, और फॉन्ट आपने यहाँ से जो है चेंज कर लेना है ताकि उर्दू जो है बेहतर तरीके से जो है लिखी जा सके। उसके लिए आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, नीचे आके आप यहाँ से चूज़ करेंगे जमील, जमील नूरी, ये रहा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल जो है उर्दू इसलिए हमने लिख ली है इन पेज की तरह। तो आप लोग भी इस तरह जो है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इजीली कहीं भी आप चाहें, फेसबुक में चाहें, अपने ब्राउज़र में चाहें, और किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग इजीली जो है उर्दू लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और उसके अलावा अगर वीडियो के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत जल्द इसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और रेड बटन के ऊपर क्लिक करते हुए सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से आने वाले तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ और आप हमारी वीडियोज़ को देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।